अब इस नज़म का दूसरा हिस्सा देखिए। कहने लगा चांद हम नशीनों, हम नशी साथ रहने वाले को कहते हैं। वो कहता है ए मेरे साथियों, ए मजरे शब के खोशचीनों। खोशचीन किसे कहते हैं? जो खेत कटने के बाद उसमें से फल चुन लेता है, उसमें से चीज़ें निकालता है। सितारे चूँकि सुबह तक चमक रहे होते हैं, सितारों की रोशनी सुबह तक मौजूद होती है, तो वो कहते हैं कि सुबह तक रहने वालों मेरे साथियों, जुम्बिश से है ज़िंदगी जहाँ की। जुम्बिश का मतलब क्या होता है? हरकत, ठीक है। तो वो कहता है हरकत से ही दुनिया में ज़िंदगी मौजूद है। ये रस्म कदीम है यहाँ की, और ये बहुत पुरानी रस्म है। कदीम कहते हैं बहुत पुरानी चीज़ को। तो वो कहते हैं कि ये रस्म या ये तरीक़ा बहुत पुराना है, यानी हरकत में बरकत है। अगर आप हरकत काम करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, मुस्तकिल मेहनत करेंगे, तो यही आपको ज़िंदा रखने की सबसे बड़ी तदबीर है, यही ज़िंदगी की निशानी है। फिर कहता है चांद उनसे कि है दौड़ता अशहबे ज़माना। अशहब किसे कहते हैं? घोड़े को। अशहबे ज़माना यानी ज़माना, वक्त की रफ़्तार, जैसे कि ज़िंदगी गुज़र रही है, वक्त गुज़रता जा रहा है। तो वो कहता है कि वक्त दौड़ रहा है, वक्त तेज़ी से गुज़र रहा है। और कैसे? खा खा के तलब का ताज़ियाना। ताज़ियाना कहते हैं घोड़े को। जब घोड़े को या किसी जानवर को दौड़ाया जाता है तो उसको कोड़ा मारा जाता है, जिसे ताज़ियाना कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि इंसान में तलब जो है, हमें रोज़ी रोटी, हमें तरक्की करने की जो तलब है, हमारी आगे बढ़ने की जो तलब है, वो हमें आगे बढ़ने पे मजबूर करती है, वो हमें मेहनत करने पे मजबूर करती है। तो वो कहता है कि ज़माना आगे दौड़ रहा है, और उस दौड़ में शामिल होने के लिए हमें भी तेज़ी से हरकत करनी पड़ेगी, हमें भी तेज़ दौड़ना पड़ेगा। इस राह में मकाम बेमहल है। बेमहल मतलब बेमौका, बेवजह। पोशीदा करार में अजल है। अजल कहते हैं मौत को। तो वो कहते हैं कि जो चल रहा है, जो हरकत कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि वो मंजिल की तरफ जा रहा है, और यहाँ बीच में रुकना तो बिल्कुल बेमौका बात है, बिल्कुल फजूल सी बात है कि हम ये सोचें कि हम कब रुक जाएं। तो अब हम रुकने की बात नहीं है, बल्कि क्या है कि पोशीदा करार, पोशीदा मतलब छुपा हुआ। तो कहते हैं पोशीदा करार में अजल है, यानी रुकना तो मौत है। देखिए जब इंसान मरता है तो क्या होता है, उसकी हर चीज़ रुक जाती है। दिल की धड़कन रुक जाती है, दिमाग की हरकत रुक जाती है, उसका जिस्म जो है वो बिल्कुल बेजान और बेहरकत हो जाता है, उसमें हरकत नहीं रहती। तो जब इंसान, जब किसी भी चीज़ की हरकत ख़त्म हो जाती है, हम बेजान चीज़ों को बेजान क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो हरकत नहीं करती हैं। तो हर जानदार चीज़ जो हरकत कर रही है उसमें जान मौजूद है, ठीक है। चलने वाले निकल गए हैं। तो कहते हैं जो बढ़ रहे थे आगे, जो अपने अपने मकसद के लिए कोशिश कर रहे थे, वो आगे चले गए हैं। जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं, और जो रुके और जिन्होंने वक्त ज़ाया किया, तो क्या हुआ कि वो कुचले गए। मतलब ये कि वो कुछ हासिल नहीं कर सके, और अपनी क़ुव्वत और ताकत भी उन्होंने खो दी। तो यहाँ पर अल्लामा इकबाल आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? अल्लामा इकबाल की इस नज़म का मकसद ये है कि हम इस बात को समझें कि हमें अपने कामों से घबराना नहीं चाहिए, हमें कभी अपने काम को मामूली नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपने काम को पूरी तनदेही के साथ, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ करते रहना चाहिए। क्योंकि जो काम करता है, जो मेहनत करता है, जो कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसको उसका फल ज़रूर देता है, उसको कामयाबी, कामरानी और इज़्ज़त ज़रूर मिलती है। लेकिन जो लोग रुक जाते हैं या आराम तलबी में पड़ जाते हैं, जो अपना वक्त ज़ाया करते हैं, तो फिर क्या होता है, वो कुचले जाते हैं। मतलब कि फिर वो पीछे रह जाते हैं। एक कुचला हुआ इंसान तेज़ी से नहीं भाग सकता ना। अगर किसी की टांग पे चोट लग जाए या किसी का पैर कुचल जाए, वो चलने के काबिल नहीं रहता। तो इसी तरह जब हम वक्त ज़ाया कर देंगे तो क्या होगा
ज़माना बहुत तेज़ी से आगे निकल जाएगा। तरक्की की रफ़्तार बहुत तेज़ है, अगर हम उसमें अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, हम अपने हिस्से का काम देंगे तो क्या होगा कि फिर हमारे हिस्से का फल भी हमें नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जब सारे किसान अगर अपने खेतों में फसलें उगा रहे हैं और कोई एक किसान बैठा रहे आराम से कि हाँ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फिर कर लूँगा उस काम को, तो फिर क्या होगा, फसल बोने का वक्त ही निकल जाएगा और वो सारा वक्त ज़ाया हो जाएगा और फिर उसे दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा अपनी ज़रूरत के लिए, ठीक है। तो जो लोग अपना वक्त ज़ाया करते हैं वो कुचले जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, और कामयाबी उसी के लिए है जो सही वक्त पर अपने वक्त का इस्तेमाल करता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है और अपने काम से नहीं घबराता। जो काम से नहीं घबरा